दोस्तों आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो भी आपका विंडो है उसका पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, या आपको बिना पासवर्ड एंटर करे हुए आप आपके कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसमें दो तीन तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपना विंडो का जो भी पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट बटन पे जाना है एंड देन सेटिंग सेलेक्ट करना है। सेटिंग में आपको अकाउंट्स पे जाना है, अकाउंट्स में आपको साइन इन ऑप्शन मिलेगा, चेंज पासवर्ड पे जाना है। जैसे आप चेंज पासवर्ड पे जाते हैं सबसे पहले आपका जो भी पासवर्ड सेट हो रखा है वो आपसे मांगेगा, तो आप जो भी पासवर्ड आपने दे रखा है वो आपको पुट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये चेंज योर पासवर्ड का स्क्रीन आ रखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो न्यू पासवर्ड है और री एंटर पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड वाला जो दो इनपुट बॉक्स हैं इनको आपको ब्लैंक छोड़ना है। और अगर आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो आप इन दोनों को ब्लैंक छोड़ना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन फिनिश कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पासवर्ड था वो रिमूव हो गया है और अब आप बिना आप विंडो प्लस एल की प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की और अपना स्क्रीन लॉक हो जाएगा। और वापस जब आप इसको इंसर्ट ओपन करेंगे तो आप बिना पासवर्ड पुट किए ही आपकी स्क्रीन पे आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा तरीका इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं वापस एक बार पासवर्ड सेट कर देता हूँ मेरे कंप्यूटर का, ताकि मैं वापस वो चीज़ आपको बता सकूँ। मैं वापस पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ अभी। ताकि मैं आपको बता सकूं कि वापस हम कैसे दूसरे तरीके से भी पासवर्ड वापस रिमूव कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका पासवर्ड रिमूव करने का, आपको क्या करना है, जो विंडो बटन होता है उस पर आपको माउस का राइट क्लिक करना है। ध्यान रखें माउस का राइट क्लिक बटन करना है। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है आपको, आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप्स में जो एरो है इस पर क्लिक करना है, यूजर्स पे जाना है। देखिए जो भी यूजर का पासवर्ड आपको सेट करना है उस पर राइट क्लिक करना है माउस का, सेट पासवर्ड पे जाना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, अगर आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो आपको ये दोनों इनपुट बॉक्स खाली छोड़ने हैं, यानी कि ब्लैंक छोड़ने हैं और ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप दोबारा से विंडो एल की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। वापस आप जब इसको अनलॉक करेंगे तो ये बिना पासवर्ड मांगे ही आपसे आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में से यूजर जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा था वो रिमूव कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियो है उनके बारे में पता चलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।